ये क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछा जाता है, जिसमें दो वेरिएबल हो सकते हैं और तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में लोग मैक्सिमम टाइम्स जो होते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप क्या करोगे कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने लगोगे इसमें। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा तो उसके लिए माफ़ी, लगाओगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे। कभी भी टू एंड थ्री वेरिएबल का क्वेश्चन है तो हमको वैल्यू पुटिंग से ज़्यादातर ऑप्शन, चलो यहाँ पे ऑप्शन में लिख देते क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऑप्शन रहता ही है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, मान लो कि वो क्यू दिया हुआ है, इसके बाद से दूसरा ऑप्शन है वो दिया हुआ है पी माइनस क्यू, तीसरा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है आपका वन बाई क्यू, एंड जो डी ऑप्शन है या फिर फोर्थ ऑप्शन आप बोल सकते हैं वो है टू क्यू। कैसे करेंगे इसको? अब इसमें हम वैल्यू पुटिंग के मेथड से जाएंगे। पहली बात, वैल्यू पुटिंग को सबसे हम ऑप्शन में रख के देखते हैं। कभी भी जो अगर आप इसमें वैल्यू, अगर पी एन मान लो क्यू का हम वैल्यू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू वन ले लें हम, अगर तो यहाँ पे क्यू है और यहाँ भी क्यू है, दो आंसर आ जाएगा। हम ऐसा नहीं ले सकते, तो हमें अलग अलग चीज़ें लेनी होंगी। एग्जाम्पल में आप जैसे, और दूसरी चीज़ अगर आप ले रहे हो तो आप कोशिश करो कि क्वेश्चन जब हम पुट करें तो और वो आसान बन जाए। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे पी का वैल्यू और यहाँ पे ऐसा कुछ लूँ कि ये एक्स का वैल्यू कोई अच्छा डिजिट में है, जैसे कि मान लो पी का वैल्यू मैं वन ले लेता हूँ, क्यू का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, बस आपको दिमाग में सोचना है, तो चार आ जाएगा। क्यू का वैल्यू मैंने क्या लिया है, दो लिया है, तो यहाँ पे नीचे फिर आपका पाँच आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं पी का वैल्यू दो लूँ तो चार आएगा, और क्यू का वैल्यू वन लूँ तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि पी का वैल्यू मैंने दो ले लिया और क्यू का वैल्यू मैंने वन ले लिया, अब देखो होगा क्या कि चार ऊपर क्या हो जाएगा, फोर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन है, और मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो पी का वैल्यू ऊपर का वैल्यू फोर हो जाएगा एंड वन प्लस क्यू का वैल्यू ऑलरेडी हमने वन रखा था, तो यानी कि ये कट छट के एक्स का वैल्यू जो आएगा वो दो हो जाएगा। तो हमारा अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, दो, ठीक है, तीनों का अलग अलग वैल्यू आया, तो यानी कि हमारा आंसर बहुत आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे इसमें अगर पुट करेंगे हम तो टू प्लस टू फोर, ठीक है, अंडर रूट फोर, एंड प्लस आप देखो तो पी और माइनस एक्स है यानी कि ज़ीरो। सिमिलरली नीचे अगर देखो तो अंडर रूट फोर और माइनस ज़ीरो, कट छट के क्या आ जाएगा, वन। वन मतलब क्या, क्यू बोल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, अगले वीडियो में आप देख सकते हो उसको, आप उसको करने का ज़रूर कोशिश करना, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना एग्ज़ाम में, नानी याद दिला देते हैं अगर आपको चीज़ें ना पता हो तो। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस थ्री एक्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू में दिया है 341 डिवाइडेड बाई 91, ठीक है, इसका आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूँ 9, 11, 12 एंड 13, ठीक है, ये ऑप्शन है सारे। अब अगर अच्छे से आपको चीज़ें नहीं आती मैथ्स तो भाई ये भी क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप।